मनाली आज के टाइम पे इंडिया के सबसे फेमस हिल स्टेशन में से एक है। हिमाचल प्रदेश के नॉर्दर्न मोस्ट एरिया में 6,700 फीट के ऑल्टीट्यूड पर स्थित मनाली अपने ओक, देवदार और पाइन फॉरेस्ट, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, एडवेंचर एक्टिविटीज और अमेजिंग लैंडस्केप की वजह से फेमस है। मनाली आज के टाइम पे हर तरह के ट्रैवलर्स की पहली पसंद है, और अगर आप भी मनाली की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मनाली की एक प्रॉपर टूर गाइड कि आप कैसे मनाली आ सकते हैं, यहाँ आकर आप क्या क्या विजिट कर सकते हैं और कैसे आप अपनी इस ट्रिप को मेमोरेबल बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप मनाली पहुंचेंगे कैसे। अब मनाली का खुद का कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पहुँचने का बेस्ट तरीका है बाय रोड। दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला और धर्मशाला जैसी जगहों से मनाली के लिए रेगुलर वॉल्वो और स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें चलती हैं, जो कि आपको 800 से 1500 रुपए में मनाली पहुंचा देगी। दिल्ली से मनाली 12 घंटे और चंडीगढ़ से मनाली 8 घंटे लंबी जर्नी है, और अगर आप चाहें तो अपने पर्सनल व्हीकल या कोई कैब हायर करके भी यहां आ सकते हैं, और इस रास्ते पे भी आपको बहुत ही बढ़िया व्यूज देखने को मिलते हैं। हालांकि अगर आप नॉर्थ इंडिया के अलावा कहीं और से मनाली विजिट करने आ रहे हैं तो आप भुंतर एयरपोर्ट तक की फ्लाइट भी ले सकते हैं, और भुंतर से मनाली आप कैब हायर करके 1 से 1.5 घंटे में मनाली पहुँच सकते हैं। मनाली पहुँच के सबसे पहले आपको अपने होटल में जाके कुछ देर रेस्ट करना चाहिए। मनाली में आपको लग्जरी और बजट दोनों कैटेगरी के होटल्स, रिजॉर्ट्स और होमस्टेज देखने को मिल जाएंगे, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने होटल या होमस्टे ओल्ड मनाली में ही बुक करें। मनाली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, न्यू मनाली और ओल्ड मनाली। न्यू मनाली में जहां आपको मॉल रोड, शॉपिंग सेंटर और टूरिस्ट का क्राउड देखने को मिलता है, वहीं ओल्ड मनाली में आपको नेचुरल ब्यूटी, पीसफुल वाइब्स और लेस क्राउडेड जगह देखने को मिलती है, और इसी वजह से आपके स्टे के लिए ओल्ड मनाली बेस्ट प्लेस है। दोस्तों, मनाली को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आप यहां से बाइक या कार भी रेंट पे ले सकते हैं। बाइक्स आपको यहां 600 से 1500 रुपए पर डे और कार 1500 से 2500 रुपए पर डे के हिसाब से रेंट पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको मनाली जैसी एडवेंचरस रोड्स पे ड्राइव करने का एक्सपीरियंस नहीं है तो एडवाइजेबल यही होगा कि आप यहां से एक प्राइवेट कैब हायर करें, जिसे ड्राइव करने के लिए आपके साथ एक एक्सपीरियंस ड्राइवर होगा। मनाली अगर आप सबसे पहले वशिष्ठ टेम्पल में विजिट कर सकते हैं, जो कि 4000 साल पुराना एंशियंट हिंदू मंदिर है। ये मंदिर रामायण काल के ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है, जो कि भगवान राम और लक्ष्मण जी के गुरु भी थे। इस मंदिर के पास एक हॉट वाटर स्प्रिंग भी है, जहां पूरे साल गर्म पानी बहता है, और माना जाता है कि इस पानी में काफी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, जिससे हमारी स्किन की काफी सारी प्रॉब्लम्स क्योर भी हो जाती है। यहाँ पे लेडीज और जेंट्स के लिए प्रॉपर अलग अलग बेदिंग एरियाज बनाए हुए हैं, और इस मंदिर में आकर आपको इस हॉट वाटर स्प्रिंग में डुबकी भी जरूर लगानी चाहिए। वशिष्ठ टेम्पल विजिट करने के बाद आपको यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर जोगिनी फॉल्स तक का ट्रैक भी जरूर करना चाहिए। जोगिनी फॉल्स मनाली का एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, और इसे और भी सुंदर बनाता है वशिष्ठ टेम्पल से यहाँ तक का ट्रैक, जो कि पाइन ट्रीज और एप्पल गार्डन से होते हुए गुजरता है। अगर आप नेचर और एडवेंचर लवर हैं तो इस ट्रैक को आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। वशिष्ठ टेम्पल से जोगिनी फॉल्स तक के इस ट्रैक को कंप्लीट करने में आपको करीब 3 घंटे लगेंगे, और रास्ते में आपको कुछ छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, जहां आप कुछ रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हैं। जोगिनी फॉल्स 160 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल है, और अगर आप चाहें तो इसके टॉप तक का ट्रैक भी कर सकते हैं, जहां से आपको मनाली वैली का बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। मनाली आकर आपको यहाँ के सबसे फेमस और सबसे सीनिक रोहतांग पास पे विजिट करना बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। 13,000 फीट से भी ज्यादा के ऑल्टीट्यूड पे स्थित रोहतांग पास हिमालयस के सबसे ऊंचे पासेस में से एक है, और यहाँ से आपको हिमालयस के पीर पंजल रेंज का बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। रोहतांग पास मनाली से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ के स्नो कैप्ड माउंटेन्स और नेचुरल ब्यूटी का जो व्यू आपको देखने को मिलता है, उसे वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। रोहतांग पास इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर स्थित है कि समर्स के टाइम पे भी आपको यहाँ काफी ज्यादा स्नो देखने को मिलती है, जो कि यहाँ के लैंडस्केप को और भी ज्यादा सुंदर बना देता है। रोहतांग पास पे विंटर्स में इतनी हैवी स्नोफॉल होती है कि इसे नवंबर से मार्च तक कम्प्लीटली बंद कर दिया जाता है, और आप सिर्फ मई से अक्टूबर तक ही यहाँ विजिट करने आ सकते हैं। रोहतांग पास पे पहुंच के आप यहाँ के पैनोरामिक व्यूज और नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के अलावा माउंटेन बाइकिंग, स्नो स्कूटर, स्लेज राइड और स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज का भी मजा ले सकते हैं। हालांकि रोहतांग पास विजिट करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ विजिट करने के लिए आपको एक प्रॉपर परमिट लेना होगा। रोहतांग पास एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को प्रिजर्व करने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ आने वाले व्हीकल्स पे लिमिट लगाने के लिए इस परमिट को इंट्रोड्यूस किया है।
रोहतांग पास के लिए दो तरह के परमिट्स होते हैं, एक वो परमिट जो आपको मनाली से रोहतांग पास तक जाने के लिए लेना होता है और एक वो परमिट जो आपको रोहतांग पास से आगे जाके लद्दाख या स्पीति वाले रास्ते के लिए लेना होता है। अगर आप मनाली से सिर्फ रोहतांग पास विजिट करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपए की परमिट फी और 50 रुपए की कंजेशन फी पे करके अपना परमिट लेना होगा, और अगर आप रोहतांग पास से आगे जाके लद्दाख या स्पीति जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 50 रुपए की कंजेशन फी पे करके अपना परमिट मिल जाएगा। ये परमिट आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुल्लू की ऑफिशियल वेबसाइट से मिनिमम 2 दिन पहले लेना होगा, और रोहतांग पास पे एक दिन में सिर्फ 1200 व्हीकल्स ही अलाउड होते हैं, तो मेक श्योर कि आप अपना परमिट एडवांस में ही बुक कर लें। हालांकि अगर आप रोहतांग पास से आगे लद्दाख जा रहे हैं तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और उसका परमिट आपको इजीली मिल जाएगा। रोहतांग पास होते हुए मनाली से लद्दाख तक की जर्नी बहुत ही सीनिक होती है, और अगर आप लद्दाख ट्रिप का एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हालांकि रोहतांग पास ट्यूसडे को मेंटेनेंस की वजह से बंद रहता है, इसलिए आप इस दिन यहां कोई भी एक्टिविटी प्लान ना करें। ये परमिट आपको सिर्फ मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए चाहिए होता है, लेकिन अगर आप लद्दाख या स्पीति वाले रास्ते से रोहतांग पास होते हुए मनाली आ रहे हैं तो आपको इस तरह के किसी भी परमिट की जरूरत नहीं है और आप इजीली यहां आ सकते हैं। रोहतांग पास के बाद आप यहाँ की एक और फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन सोलंग वैली भी विजिट कर सकते हैं। सोलंग वैली मनाली से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सीनिक वैली है, जो कि मनाली से रोहतांग पास वाले रास्ते पे ही लोकेटेड है। सोलंग वैली अपने स्नो कैप्ड माउंटेन्स और लश ग्रीन लैंडस्केप की वजह से फेमस है, और एडवेंचर लवर्स के लिए तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। मनाली की सारी एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे कि पैराग्लाइडिंग, केबल रोपवे, स्नो स्कूटर और जॉर्बिंग आपको सोलंग वैली में ही देखने को मिलती है। विंटर्स के टाइम पे सोलंग वैली पूरी तरह से स्नो में कवर हो जाती है, जो कि इसे स्कीइंग और बाकी विंटर एक्टिविटीज के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाता है। सोलंग वैली की ज्यादातर एडवेंचर एक्टिविटीज आप 500 रुपए से 2000 रुपए में बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगला नाम है हडिम्बा देवी टेम्पल का। हडिम्बा देवी टेम्पल मनाली का एक काफी फेमस टेम्पल है, जो कि महाभारत काल के पांडव भीम की वाइफ हडिम्बा देवी को समर्पित है। 1553 में बना ये मंदिर ओल्ड मनाली से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर देवदार के फॉरेस्ट में सिचुएटेड है, और ये मंदिर अपने यूनिक आर्किटेक्चर की वजह से भी फेमस है। पगोडा स्टाइल आर्किटेक्चर में बना ये मंदिर मेनली लकड़ी और पत्थर से बना है, जो कि अपने वुडन गेट्स और कोन शेप्ड रूफ की वजह से जाना जाता है, और इस तरह का आर्किटेक्चर आपको बहुत ही कम हिंदू मंदिरों में देखने को मिलता है। हडिम्बा देवी टेम्पल विजिट करने के बाद आप यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर जाना विलेज के जाना वाटरफॉल पे भी विजिट करने जा सकते हैं, जो कि 30 फीट की हाइट से बहने वाला एक बहुत ही सीनिक वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको पाइन और देवदार के डेंस फॉरेस्ट में से ट्रैक करना होगा, जो कि एक बहुत ही सुंदर ट्रैक होता है। ट्रैकिंग की बात करें तो मनाली से आपको काफी सारे एडवेंचरस और सीनिक ट्रैक ऑप्शंस मिलते हैं, और आप मनाली से हमता पास ट्रैक, बीस कुंड ट्रैक, भृगु लेक ट्रैक, देवडिब्बा ट्रैक, सर पास ट्रैक, चंद्रखनी पास ट्रैक और रानी सुई ट्रैक का मजा ले सकते हैं। मनाली आकर यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस के अलावा आपको यहाँ के ट्रैकिंग रूट्स को भी जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि मनाली के ट्रैक पूरे हिमाचल के सबसे सीनिक ट्रैक्स में से एक होते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा भी आप मनाली आकर काफी सारी प्लेसेस जैसे कि मणिकरण साहिब गुरुद्वारा, मनु टेम्पल, सेथन वैली, अर्जुन गुफा, कसौल, व्यास रिवर व्यू पॉइंट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और भी काफी सारी जगहों पे विजिट कर सकते हैं। मनाली के बारे में एक और चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि बस के अलावा आप किसी भी व्हीकल से अगर मनाली में एंटर होते हैं तो आपको उसके लिए भी एक परमिट लेना होगा, जो कि बाइक के लिए 100, पर्सनल कार के लिए 200 और पैसेंजर व्हीकल के लिए 300 रुपए में आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुल्लू की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। अगर आप भी मनाली की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए आपको मार्च से जून और सितंबर अक्टूबर में यहाँ विजिट करना चाहिए, लेकिन अगर आप स्नो लवर हैं और स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज का मजा लेना चाहते हैं तो आप विंटर मंथ्स में भी यहाँ विजिट करने आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल दैट टाइम, गुड बाय।